मथुरा जेल में बंद भाइयों की कलाई पर बहनों ने बांधी राखी। भाइयों ने भावुक होकर बहनों को अपराध छोड़ने का दिया वचन। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के जिला कारागार में सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। बंदियों की उनकी बहनों से खुली मुलाकात रखी गई। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात रहा। सुबह 6 बजे से जेल के गेट पर बहनों की लंबी कतार लग गई। 8 बजे से जेल प्रशासन ने बहनों को प्रवेश देना शुरू किया। जेल में खुली मुलाकात 10 में कराई गई। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी तो भावुक होकर भाइयों ने भी वचन दिया कि वह अपराध की राह को छोड़ देंगे। कई बहन और भाई एक दूसरे को गले लगाकर रोते हुए नजर आए। भावुक माहौल के बीच जेल में रक्षाबंधन त्योहार मनाया गया। जेल अधीक्षक अंशुमन ने बताया कि जेल प्रशासन ने जेल में बहनों को सिर्फ राखी, शगुन व पैकेट बंद मिठाइयां ही लेकर आने की अनुमति दी है। कोई अन्य वस्तु जेल के भीतर नहीं आने दी जा रही है और जिला कारागार की ओर से गर्मी को देखते हुए कूलर पंखे लगाकर बहन भाई आपस में राखी बंधवा सके और सुबह 8 बजे से 4 बजे तक का समय मुलाकात के लिए तय किया गया है। दीक्षा आज मथुरा जिला कारागार में अपने भाई को राखी बांधने आई हूँ, कैसा फीलिंग महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा वैसे अंदर से मिलते हैं, आज ओपन मिला ही अच्छा लग रहा है देख के। बहुत टाइम के बाद मिले हैं, चीज़ें हैं, यादें हैं। सो आज अपने आप भाई से मिली राखी बांधी, तो भाई आपने किस कारण जेल में रीजन से? फैमिली रीजन से, सबके अलग अलग रीजन होते हैं। किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते कौन गलत है कौन सही है, बट ठीक है, डिस्टे नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। मथुरा जिला कारागार की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छा है, अंदर से बाहर सब टेंट वेंट की पूरी व्यवस्था है। पानी बच्चों के लिए भी, बिस्किट्स वगैरह बाहर है, तो अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक है, ओवरऑल ओके है। किस अपराध में जेल में आया? चोरी में आ गया सर, चोरी में। चोरी में कौशी गला दिन हो गए यहाँ आए? मुझको ढाई महीना सा हो गया, दो ढाई महीना। हाँ जी भैया, राखी का त्यौहार है आज और आपकी बहन जेल में आकर के आप राखी बांध रही हैं, त्यौहार मिस नहीं हुआ, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा, जेल की व्यवस्था कैसी लगी? सही है। फिर अभी कभी आपने सुना होगा जेल में ऐसी व्यवस्थाएं पहले हुआ नहीं करती थी, और मैंने इंतजार कर रही थी घर पर कब भाई आएगा तभी राखी बांध पाएंगे। आज जो है इस अवसर पर आप क्या कहना चाहोगे? हमको बहुत अच्छा लग रहा है भैया। हाँ जी बहन जी, भैया आप अपने भाई के साथ खड़ी हैं और जो भाई जेल में हुआ करते थे पहले और उनकी राखी बांधने में बहुत सारी दिक्कतें आती थी, प्रशासन ने ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं की थी आज से 10 साल पहले, और आज आपने जो जेल प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएँ देखी जा रही हैं मथुरा में, ठीक है भैया? ठीक है भैया, यहाँ की व्यवस्था तो ठीक है। अच्छा, मुलाकात करते हुए भाई से कितना समय हो गया आप? अभी आप 2.5 महीने में मिली हूँ भैया से, भाई से छोटे भाई से। अभी आधा पौना घंटा तो बीत चुका है बातें करते हुए? हाँ, आधा घंटा हो गया। और राखी का त्यौहार है आज, कैसा लग रहा है राखी बांध करके भाइयों में? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। ऐसा पहले भी कभी हुआ है जेल में ऐसी व्यवस्थाएं सेवाएं देखी आपने? कभी ना देखी? अब की बार पहले कभी अपने जमाने में किसी समय ऐसा कुछ नहीं हुआ? जेल की व्यवस्थाएं सभी अच्छी लग रही हैं? ना लग रही भैया। आपके भाई यहाँ पर कैसे आ रहे हैं? किस अपराध में आए? किस अपराध में आए? लड़ाई झगड़े है गए। देखिए आज जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्व है, तो इसमें हमारे यहाँ पे बहुत बड़े तादाद पर मुलाकात आती है। महिला बहनें जो बाहर से अपने पुरुष बंदी भाइयों से मिलने आती हैं, तो इसके लिए हमने एक तो सुरक्षा व्यवस्था अपनी कड़ी की है। जो मुलाकात है वो डिफरेंट बैचेस में अंदर आ रही है और जो है विधिवत तलाशी करवाई जा रही है। तलाशी जो है हमारे बंदी जो अंदर जेल से आ रहे हैं, आते समय भी और जाते समय भी तलाशी हो रही है। महिला बहनें जो आ रही हैं उनकी और उनके समाज की भी तलाशी हो रही है। इसके साथ साथ जो है हमने मेन मॉल की सुरक्षा हमने कड़ी कर दी है, और क्योंकि गर्मी का समय है तो सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की गई है और टेंट की व्यवस्था की गई है, शरबत बिस्किट और पानी ये सब की व्यवस्था हमारे द्वारा की। अब तक कितनी बहनें अपने भाइयों से राखी बांध चुकी हैं? अब तक करीब ये मान लीजिए कि जो है 300 के अराउंड बहनें अपनी भाइयों को राखी बांध चुकी हैं, और डिफरेंट अब दूसरा बैच जो है अंदर जाने को तैयार है। और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जो है हमारी जो मेडिकल की टीम भी मौके पर मौजूद है और फर्स्ट एड किट के साथ मौजूद है, और कोई भी ऐसी घटना होने पर तुरंत जो है उनको उपचार दिया जाएगा।
वो बहन अपने भाई से राखी बांधने के वंचित रहेगी, तो उसकी मेरा कार्रवाई की तरफ से क्या व्यवस्था है? देखिए आज तो पूरा दिन मुलाकात हम दे ही रहे हैं, शाम को जो है 4 बजे तक महिला बहनें आ सकती हैं, उसके बाद पुरुष भाई बाहर से अपनी महिला बंदी बहनों से मुलाकात कर सकते हैं, और जो जो आज नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, तो जो भी हमारे मुलाकात की व्यवस्था है नॉर्मल, जैसे विचाराधीन बंदी जो है 1 सप्ताह में 3 बार मुलाकात कर सकता है, सिद्ध दोष का अलग नियम है, पाक्षिक मुलाकात है उनके लिए, उसके तहत उनको मुलाकात की व्यवस्था प्रदान की जाएगी।